हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरे लाल बाल गोपाल, चलिए मैं एग्जाम वॉर से एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, यदि आप एक बिगनर हैं और चाहते हैं कि पहली बार में ही सरकारी नौकरी लग जाए, या काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और नौकरी नहीं लग रही है, तो कोई मंत्र मंत्र तो दूंगा नहीं, बेफिक्र रहो। लेकिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021। जो चीजें अगर मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने उन पर अमल कर लिया तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा, ध्यान रखना। और बिल्कुल अब होगी एक वर्दी आपके नाम। बस जो चीजें बताने जा रहा हूं उन पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखो, यदि आप चाहते हैं कि आपका सरकारी नौकरी पहले अटेम्प्ट में लग जाए, तो पूरे भारत वर्ष का एकमात्र ऐसा सबसे आसान एग्जाम है जो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। सरकारी नौकरी की चाह आपकी बड़े लंबे समय से जो अधूरी है वो पूरी करा सकता है, ध्यान रखना। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो अभी वैकेंसीज आने वाली है, ध्यान रखिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। यहां पर कम मेहनत में सरकारी नौकरी प्राप्त की जा सकती है, ये उन्हीं लोगों के लिए। दूसरी चीज, क्या कहां पर आपको मेहनत करनी है, कितने मार्क्स जरूरी होंगे कट ऑफ लिस्ट में आने के लिए, और कितने मार्क्स जरूरी हैं, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस ली है वो पोस्ट आपको मिल सके, तो सारी चीजें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। आ जाओ भाई फटाफट से। चाहे हिंदी का सेक्शन हो चाहे इंग्लिश का सेक्शन हो, बच्चा ध्यान देना, टोटल जो ओवरऑल क्वेश्चन का वेटेज मिलेगा वो कितने का मिलेगा भाई, 25-25 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका मैथमेटिक्स हो चाहे जीएस हो, हर एक सेक्शन कितने कितने नंबर का होगा बच्चा, 25-25 नंबर का होगा, ध्यान रखना। इतना आसान पेपर आता है भाई, एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। यदि हम हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो बच्चे भाई साहब 25 में से 23 23 नंबर लाते हैं, 25 में से सॉरी 25 25 लाते हैं। लेकिन मैं आपको 23, चलो एक और छोड़ दिया, मैं आपसे कह रहा हूं यदि आप बढ़िया तरीके से पढ़ के जाओगे ना, कोई आपको रोक नहीं सकता 22 नंबर लाने से, इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, पेपर उठा करके देखना खुद पता चल जाएगा। रीजनिंग में बच्चे 25 में से 25 करते हैं, हमको 25 नहीं करने भैया, क्योंकि हम तो भी नए है ना। 23 कर लोगे, 23 भी नहीं करोगे ना, चलो 22 तो करोगे। अरे भाई 22 तो करोगे, 22 नंबर रीजनिंग के हो गए, 22 नंबर हिंदी के हो गए। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भैया क्या है ना, मैथमेटिक्स थोड़ा सा हार्ड है, वो हमसे होता नहीं है ज्यादा, आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ मैं, आराम से 22 क्वेश्चन करेगा। और अगर आप थोड़े से वीक हैं तो 22 नहीं भाई 20 तो करोगे। अरे बच्चा 20 तो करोगे, बिल्कुल करोगे ना, चलो यहाँ जाओ। जीएस भैया इसकी पता नहीं रहती, ये कब कहाँ से पूछ ले, चलो मैं कह रहा हूँ एक पढ़ने वाला विद्यार्थी आराम से 21 से 22 क्वेश्चन करेगा, मैं 21 मान रहा हूं, ठीक। तो आप कितना करोगे भाई, अरे आप 20 कर लेना, आप 20 कर लेना, ठीक, आराम से कर पाओगे, मेरी मेहनत बढ़िया होगी। देखो मेहनत अगर अच्छी होगी, सफलता मिलेगी तो मेहनत ही है, बस उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। माना कि पेपर थोड़े लो लेवल का है, इसके लिए मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी और जबरदस्त करनी पड़ेगी। अब जरा अगर मैं इसको ऐड करूं, 22 और 22 44, 44 और 40 कितना हो गया बच्चा, 84 नंबर हो गए, 84 नंबर हो गए। मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, अगर आप इतना स्कोर करते हो, 84 स्कोर करते हो, 110% इस एग्जाम और यूट्यूब चैनल पर खड़े होकर के मैं बोल रहा हूं, कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा यदि आप 84 नंबर लेकर के आ रहे हो। और पोस्ट प्रेफरेंस की यदि बात करें, अगर आपने कहीं ये टारगेट अचीव कर लिया ना, 25 और 25 50, 50 और 22 कितना हो गया बेटा, 72, 72 और 21 कितना हो गया, 93, 93 नंबर के आसपास अगर आप लाओगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस, आप जिस पोस्ट की डिमांड करोगे लगभग लगभग वहां तक पहुंच जाओगे। थोड़ा सा और बूस्ट कर लोगे 2 नंबर तो मैं कह रहा हूं प्रेफरेंस भी वही मिलेगी जो आप कहोगे, चाहे एनआईए हो, ठीक। ये था ओवरऑल डाटा जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते।